जेहलम के करीब पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका जंगी मशकों का चौथा मरहला खत्म हो गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कैनी ने कहा कि मुश्तरका तरबियती मशकों से दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। मजीद तफसील जावेद अली कलहोड़ से। दिफाई तआवुन के फरोग और एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए होने वाली पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका जंगी मशकों का एक मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम में मुसल्लह फौज की इस्तेदाद का मजीद बेहतर बनाना था। मशकों में पाकिस्तान और चीन की स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने हिस्सा लिया। पैराट्रॉपिंग करते हुए दुश्मन पर वार करने और फिजा से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में दोनों मुल्कों की मुसल्लह फौज ने शानदार पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और चीन के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होशोजिन इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मसला है और दोनों मुल्क अपनी पेशावराना सलाहियतों के जरिए इस पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जंगी मशकें किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि इनका मकसद अपने दिफा को मजबूत बनाना है। चीन के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल होशोजिन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मुफाद में है और मुस्तकबिल में इसके बेहतर नतायज सामने आएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली ये ज्वाइंट एक्सरसाइज इंतहाई अहमियत की हामिल है। जावेद अली कलहोड़ो, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, झेलम।